तक महिला चुप रहे और कुछ बोले ना तब तक महिला ठीक है, मगर जैसे महिला ने अपना मुंह खोला तो फिर उसको चुप करवाओ। थियरी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, थियरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, पत्नी से पति का यह सौदा तय हुआ है, उसको आप लोग विवाह संस्कार कर कहते होंगे, ये बोला सौदा है कि मेरा घर संभालो, मुझे सुख दो, मैं तुम्हारे पेट पानी की व्यवस्था ठीक करूंगा और तुमको सुरक्षित रखूंगा। और इसलिए उस पर चलता है, अब जब तक पत्नी ऐसी है तब तक पति कॉन्ट्रैक्ट पूर्ति के लिए उसको रखता है, अभी कॉन्ट्रैक्ट पूर्ण नहीं कर सकते उसको छोड़ दो। महिला राइट्स में ये इंटरेस्टेड नहीं है। आप सीधा साहब से सवाल पूछता हूं, मेन इनका संगठन आरएसएस है, कितनी महिलाएं हैं उसमें? आपने कभी देखा है शाखा में आपने महिलाओं को देखा है शॉर्ट्स में? कभी देखा है? मैंने तो नहीं देखा है। तो संगठन से आपको पता लग जाता है, कांग्रेस में हर लाइनअप में महिलाएं दिखती हैं, आरएसएस में आपको एक महिला नहीं दिखेगी। पता नहीं क्या किया है, क्या गलती की महिलाओं ने कि आरएसएस में नहीं घुस सकती। क्या संघ में महिलाओं का प्रवेश है? संघ में जो व्यक्ति निर्माण का कार्य या शाखा के माध्यम से चलता है उसमें केवल पुरुष आते हैं,